हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति पूर्ण ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन 2। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल सोल्ड ड्यूरिंग द वीक। यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है जिसमें कोल्ड ड्रिंक बताया गया है कि वीक में किस किस दिन कितनी कितनी कोल्ड ड्रिंक बिची है। वन कोल्ड ड्रिंक रिप्रेजेंट फाइव सच बॉटल। जो एक कोल्ड ड्रिंक है वो हमें पांच बॉटल बता रही है, यानी कि एक कोल्ड ड्रिंक है समझ लो पांच बॉटल है ये, ठीक है। एक बनी है समझ लो ये पांच बॉटल है। ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल सोल्ड। सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक कौन से दिन बिची है? सबसे ज्यादा देखो इसमें कितनी बनी हुई है, सबसे ज्यादा कौन से दिन को बनी हुई है? सैटरडे, यानी कि सबसे ज्यादा सैटरडे को बिची है। ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल सोल्ड। सबसे कम कब बिची है? संडे। ऑन विच टू डेज सेम नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल सोल्ड। कौन से है दो दिन है जिसमें सेम मतलब एक ही जैसी बॉटल बिची है, उतनी ही बिची है जितनी उस दिन बिची है। देखो वेनसडे को भी जितनी बिची है उतनी ही फ्राइडे को भी बिची है, यानी कि दोनों दिन बराबर बिची है। तो यानी कि इसमें क्या होगा, वेनसडे और फ्राइडे होगा आंसर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल सोल्ड ड्यूरिंग द वीक। अब हमें ये बताना है कि पूरे वीक में कितनी बॉटल सोल्ड हुई हैं। अब हमारी एक फाइव को शो कर रही है तो हम सबको काउंट कर लेंगे, यानी कि एक फाइव है तो ये कितनी है, वन टू थ्री फोर, फोर को फाइव से कर लेंगे तो ये हमारा जाएगा 20। और ये भी फाइव से कर लेंगे, फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए ये कितनी बॉटल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन है। अब हम इसको कितने फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा हमारा ये 35। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है, फिर सिक्स फाइव सा 30, ये वन टू थ्री फोर फाइव 25, अब ये हो जाएगा 35, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हो जाएगा 40, हो जाएगा 10। अब हम इन सबको बच्चों प्लस कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा, जब हम इन सबको प्लस करेंगे आंसर आएगा 190, जब हम इन सबको प्लस करेंगे। ओके, मैंने आपको बताया था एक बॉटल फाइव को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि दो बॉटल है तो टू फाइव से क्या हो गया 10। ओके तो बच्चों आपको इस तरीके से इसका लास्ट का आंसर लिखना है, 190 बॉटल पूरे वीक में सोल्ड हुई। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बच्चों पिक्टोग्राफ बनाना है इस तरीके से जैसे ये बना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे वीक्स लिखे हैं वहां पे हम लिख देंगे, एक जगह पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट और एक जगह लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ वीक्स लिखे हैं, इसकी जगह आपको ये सब्जेक्ट लिखने हैं, साइंस मैथ इंग्लिश जीके। अब देखिए यहाँ पे एक बुक 10 बुक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे 60 है, यानी कि यहाँ पे कितनी बनेंगी, आप इसको डिवाइड कर देंगे 10 को 60 से तो हमारे कितनी बचेंगी 6, ठीक है, 10 को 60 से हम डिवाइड करेंगे तो यानी कि 6 बुक है। तो हम साइंस में 6 बुक बना देंगे, ऐसे हम यहाँ पे जैसे मंडे ट्यूसडे लिखे ऐसे हम लिख देंगे साइंस मैथ्स इंग्लिश जीके। तो साइंस में हम 6 बुक बनाएंगे और मैथ्स में हम 5 बनाएंगे, इंग्लिश में 8, जीके में 7 बुक बनाएंगे और एक बुक मैं रिप्रेजेंट करेगी 10 बुक को लेके। ओके, इस तरीके से बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। इस एक स्माइली एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, टेबल टेनिस में 8 स्टूडेंट खेलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से बच्चों आपको उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये बताया पिक्टोग्राफ बनाना है, इसी तरीके से आपको इसका भी बनाना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।